हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत खूबसूरत वाला प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूँ। ये वाला प्रॉब्लम शायद सभी लोगों को पता है जो लोग विंडोज 10 और विंडोज 11 यूज़ कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। जब भी हम लोग अपना विंडोज पीसी और लैपटॉप जिसमें विंडोज 10 और 11 रन कर रहा है, तो उसको शट डाउन और रिस्टार्ट करने के लिए जब भी जाता है वो दिखाता है अपडेट एंड रिस्टार्ट, अपडेट एंड शट डाउन। फिर उसके बाद दिखाता है ब्लू स्क्रीन में डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, अपडेटिंग समथिंग इतना परसेंट उतना परसेंट बोल के दिखाता है। तो ये वाला अपडेट अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, मगर इसको बंद करने के लिए हम लोग सभी एक तरीका भी यूज़ करते हैं, मगर वो तरीका हम देख लेते हैं। हम रन में जाके services.msc इसको हम टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे विंडोज अपडेट बोल के एक सर्विस है। ये वाला हमने भी किया है, ये वाला ट्राई करके देखा है। इसको हम स्टार्टअप टाइप को हम डिजेबल करके अप्लाई ओके कर सकते हैं, मगर वो 2 या 3 दिन के बाद ये अपने आप से वो ऑटोमेटिक और मैनुअल में स्टार्टअप टाइप मैनुअल हो जाता है और फिर से वो अपडेट डाउनलोड होके अपडेट हो चलता रहता है। और ये अपडेट जब भी चलता है करीब करीब 1 शट डाउन और रिस्टार्ट होने के लिए करीब 1 घंटा और उससे ज़्यादा भी टाइम लेता है। तो इससे ये वाला प्रॉब्लम से हम लोगों का परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। आप ये छोटा एक एप्लीकेशन है, ये स्टेप थोड़ा ठीक से देख लीजिए, शायद ये तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन एक छोटा सा ऐप्स के थ्रू ही होएगा, एक छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन ये है WUB बोल के, मीन्स ये विंडोज अपडेट ब्लॉकर बोल के एक ऐप्स है। इसके ऊपर हम जाएंगे, इधर देखिए दो तरीके का एप्लीकेशन है, एक 32-bit वाला है और एक 64-bit वाला है। अपना विंडोज के हिसाब से आप देख के ये वाला एप्लीकेशन रन कीजिएगा। तो फिलहाल मेरा विंडोज 64-bit वाला है, तो मैं ये 64 वाला एप्लीकेशन ही रन करूँगा। छोटा सा एप्लीकेशन है, देख लीजिए। ये देखिए अभी ये सर्विस स्टेटस राइट साइड दिखा रहा है, इसका मतलब सर्विस इज enabled and running, ठीक है। और ये वाला डिजेबल अपडेट, और उसके बाद एक चेक साइन है प्रोटेक्ट सर्विस सेटिंग्स, ठीक है। इसमें आप टिक मार्क को लगा के अप्लाई करोगे, देख लीजिए सर्विस अभी डिजेबल है, ये प्रोटेक्टेड भी है। इसका मतलब ये विंडोज जो अपने आप से अपडेट होता है, अपने वो सर्विस में जाके वो अपडेट वाला सिस्टम आप डिजेबल करके भी देख लिया, मगर वो 2 दिन के बाद फिर से वो वाला सेटिंग्स एनाबल होके वो अपडेट डाउनलोड होता था। मगर ये वाला एप्लीकेशन के थ्रू, ये वाला ब्लॉकर के थ्रू आप सिस्टम सेटिंग्स को चेंज करोगे तो ये सर्विस स्टेटस प्रोटेक्टेड ही रहेगा।
आप जब भी चाहो तब इसको अनेबल करके अपना विंडोज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप को अपडेट कर सकते हो, नहीं तो इसको डिजेबल कर सकते हो। बस आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।